फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल, आसान और असरदार होम रेमेडी। जी हाँ, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हेयर फॉल से रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ आपके बाल अगर पतले हैं यानी थिन है और प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है तो इसे भी ये ठीक करता है। और अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर ले ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज। सबसे पहले इस प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। ओनियन में हाई अमाउंट ऑफ सल्फर होता है जिससे बहुत सारे हेयर कंडीशंस जैसे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर ब्रेकेज ठीक होता है। ओनियन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो स्कैल्प इन्फेक्शन से फाइट करके हेयर फॉल को ठीक करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे फास्ट हेयर ग्रोथ होता है। अब इन टुकड़ों को ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लीजिए और फिर इस पेस्ट से जूस को निकाल लीजिए। अब इस जूस में आपके हेयर टाइप और हेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी इसेंशियल ऑयल मिक्स कीजिए। मैंने यहाँ पे रोजमेरी इसेंशियल ऑयल यूज किया है। मेरा हेयर टाइप ड्राई है इसीलिए मैंने रोजमेरी इसेंशियल ऑयल यूज किया है। अगर आप चाहे तो लवेंडर इसेंशियल ऑयल और पेपरमेंट इसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 से 4 बूंद रोजमेरी इसेंशियल ऑयल यूज किया है। रोजमेरी इसेंशियल ऑयल हेयर्स को थिक करता है, साथ ही ये ड्राई स्कैल्प और डैंड्रफ को ट्रीट करता है। इसके साथ ही बाल्डनेस को प्रिवेंट करता है और प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग को रोकता है। आप इस ओनियन जूस को अपने बालों में और स्कैल्प में लगाकर अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज के बाद 40 से 45 मिनट तक बालों को ड्राई होने दीजिए ताकि ओनियन का पूरा बेनिफिट आपके बालों को मिले। 40 से 45 मिनट बाद बालों को शैम्पू से धो लीजिए। इस प्रोसेस को आप वीक में 2 बार कीजिए। ऐसे करने से आपके बाल बहुत ही जल्दी लंबे होने के साथ ही बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग, ये सब दूर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस रेमेडी को ट्राई नहीं किया है तो एक बार तो भी जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा वर्क करता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।